टी और आम, ध्यान से सुनिए, टी हाँ भैया, और आम इन दोनों का लोप हो जाता है और मुंह का आगम हो जाता है, मुंह मुंह आ जाएगा नया, मुंह में से माँ बच्चे का, बोलिए। टी की जगह पे मुंह आदेश हो जाएगा, सी और अंक और की जगह आम, पे मुंह हो टी जाएगा, और हम, टी और हम उनका के लोप स्थान पर नहीं, सी और हम का लोप होगा और लोप हो नया जाएगा, सी और आम का लोप जी हो भैया गया जी, जी, और और हमका मुंह का आगम होगा आगम। लोप हो जाएगा और मुंह का आगम होगा, तो मुंह के आगम में से माँ माँ बच्चे का वो अनुबंध हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कुलम, बोलो। कुलम कुलम देखा दीदी, बताइए कैसे बना कुलम। हमने पहले कुल धन सी लिखा और हाँ कुल धन आम नहीं, लिखा। दोनों बोलो, कुल धन सी, कुल धन आम। हाँ, फिर दोनों साइड में जैसे इसमें पूछा कि अकार है, दोनों हाँ में लिंगातंकार अकार है, तो सी और हाँ अम का लोप होके इस सूत्र से अकारात संबुद्धौ मुश्च सूत्र से सी और अम हाँ का लोप होके मुंह का आगम किया और मुंह हाँ में मुंह का उ का अनुबंध करके तो मैं क्या बचा, बन जाएगा, फिर कुलम और बस कुलम ही कुलम बनेगा दोनों में दोनों कुलम जगह। हाँ दोनों जगह कुलम सी और अम का लोप करना है और मुंह का आगम करना है, तो क्या बन गया, कुलम कुलम बन गए भैया। बन गया। अब दो दो वचन की और प्रथमा द्वितीय विभक्ति की दोनों औ विभक्ति ले आइए, कुल धन औ। भैया जी एक प्रश्न पूछूं? हाँ दो प्रश्न पूछना। हाँ भैया जी, अपन ये सूत्र से कैसे निकालेंगे कि सी और अम का लोप करना है? बस वही तो बात है, सूत्र में अभी आगे आएगा थोड़ी देर बाद, तब बताऊंगा मैं उसके सूत्र में से कैसे निकालना जी भैया जी है ना। तो आपके जी प्रश्न का सूत्र में नहीं है, सूत्र में तो क्या है, अकारात से असंबुद्धौ संबुद्धि भिन्न, फिर मुश्चे, ये चा छुपा है ना, चा, हाँ ये चा में से निकलेगा, अभी अभी थोड़ी देर बाद देंगे आपके प्रश्न का उत्तर, ठीक जी है। जी भैया जी, चलिए तभी सी और माँ का क्या कर लीजिए, इस सूत्र को इधर लिख लोप लीजिए। कर। हाँ ए बहन जी, हाँ भैया जी ये देखो नंबर क्या लिखा है, 2.84 लिखा है, इसका जी, 2.84। हाँ थोड़ी देर बाद में पूछूंगा इसका नंबर क्या है, अकारात जी, मुश्चे का नंबर क्या है, बताओ। 2.84, थ्री एटी सिक्सटी फोर 2.84 माने दूसरा दूसरा अध्याय 84 नंबर का सूत्र, बोलो। दो दूसरा सौ तिरासी नंबर अध्याय और 84 नंबर का सूत्र का सूत्र, जी, 2.4 इंच। आ गया ना, ठीक जी, है। जी कहाँ हैं पे लिखा हुआ है 2.84? पहला 2.84 कहाँ लिखा हुआ है? लिखा लिखा है भैया ये, हमारे में भैया, आपके पुस्तक में नहीं मिलेगा, हमारे इसमें देखेगा, स्क्रीन पे मिलेगा ऊपर, क्या ओ दिख गया भैया जी, विधि सूत्र में यहाँ। अरुण भैया, उतना ही हाईलाइट कर दीजिए, 2.84 बस, दिख गया बहन जी, दिख हाँ जी भैया जी, हाँ भैया, गया, दिख गया। चलिए आओ विभक्ति लाइए, आओ कुल कुल धन आओ, ला दिए भैया कौन सी आओ विभक्ति लाए, प्रथमा की आओ और द्वितीया की आओ, दोनों साथ ले आए, प्रथमा की द्वितीया और द्वितीया की द्वितीया। प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन। हाँ द्विवचन। हाँ अरुण भैया जी, थोड़ा सा आगे बढ़िए, बस बस बोलिए, औ रीम, औ रीम, औ रीम। अब औ रीम, मेरे प्रश्न का जवाब देने वाले को मिलेगा इनाम, औ रीम, तृतीया संज्ञा की थी, वहां पर भी औ के स्थान पर आदेश होता था, बताइए क्या आदेश होता है, श्रद्धा ई आदेश होता है, ई आदेश होता है, ई आदेश होता है, और यहाँ भी हो ई रहा है, आदेश तो होता है, यहाँ पे भी ई आदेश होता है सही है कि नपुंसकलिंग गलत में। है, सही सही है हुआ, सही, सही। हाँ चलो, यहाँ कौन जवाब भी देगा सही जवाब, चोरी क्या क्या करिए चपाटी कीजिए। क्या बोल रहे भैया जी? हाँ आउरिम ले तो सुनिए, अपना,
ये कह रहा है औरीम, औ के स्थान पर रीम आदेश होता है, ई होता है, और उधर श्रद्धा संख्या भैया पड़े जी थे। दोनों में अंतर ये है कि उसमें ना छोटी ई था औरीम, और इसमें बड़ी ई है औरीम। समझे रेखा दीदी? दीर्घ ई आदेश होगा। क्या समझे? हम समझे कि औरीम सूत्र में जैसे इसमें ना बड़ा ई है नपुंसक लिंग में, और उसमें छोटा ई था। हाँ, श्रद्धा में जो करा था वो छोटी ई थी, और यहाँ पर जो किया है वो बड़ी ई है, इतना ध्यान रखने का। श्रद्धा में छोटी ई थी है ना, और यहाँ पर बड़ी ई है, ध्यान रखेंगे ना। हाँ जी भैया जी। तो औ के स्थान पर बड़े औ के स्थान पर ई कर दिया, अब सूत्र लगेगा अवर्ण वर्ण ए खुले खुले बन जाएगा, खुले बन गया। हाँ जी, क्या बन गया बोलो? कुले कुले व्यंजन वक्त लाइए एक बार। जी लाइए एक बार जी। हाँ जाता सात वक्त एक बार लाइए ला दिए भैया जी। ये क्या है जस वक्त जी? हाँ भैया, अब ध्यान रखना वो छोटी जो पांच वक्तियां होती है उनको क्या कहते हैं? घूट घूट कहते हैं, घूट उसको घूट कहते हैं, घूट 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 घड़ी वाला घू। हाँ घड़ी वाला ही तो, घर वाला नहीं, घर वाला भी है, घर वाला भी एक ही है दोनों, घर वाला भी है। लेकिन इसमें तो सच है तो छठा आ गया ना, इसमें एक और एक्स्ट्रा आ गया ना, पांच से छठा नंबर है यहाँ पर। और यहाँ पर वो कह रहा है जो शुरू में पांच बताए थे उनकी नहीं होती। हाँ अब नई चीज बता रहे हैं, पहले काम करिए जस ससो नपुंसके, जस ससो नपुंसके। जस ससो नपुंसके, कर लिए भैया जी पढ़ा। हाँ। नपुंसक लिंग में जस और सस की घुट संज्ञा होती है, नपुंसक लिंग में जस और सस की घुट संज्ञा होती है। नपुंसक लिंग में जस और सस की घुट संज्ञा होती है। जी जी भैया जी भैया। हाँ भैया, अब ध्यान रखना, अब सी और जस वाला खेल खत्म हो गया, यहाँ पर किसकी होती है? अब जस और सस की। अब थोड़ी देर बाद परीक्षा होने वाली है आप सबकी, छोटी दीदी ध्यान रखना, परीक्षा में फेल हो गए तो मेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी। जी भैया जी, आशीर्वाद देना। चलो ठीक है, तो जैसा सच की क्या कर दिया आपने? घुट संज्ञा, घुट संज्ञा कर दी, घुट संज्ञा कर दी, आगे बढ़िए। जस ससो सी, जस ससो सी, जस ससो सी, जस और सच के स्थान पर सी आदेश होता है,
सस्ते स्थान पर सी आदेश होता है, सी में से ई बचेगी छोटी। तो अवर्ण इवन ए। अभी नहीं कुछ नहीं करना, परीक्षा में फेल हो जाओगे। ठीक, अनुबंध लोपे से ई बचा, अनुबंध लोप कर दिया तो क्या बना, क्या स्थिति है अभी? रेखा दीदी बताइए। कुल धन आती है ना, ई बना इस सूत्र से। पहले तो जैसे अपन को बताया कि नपुंसक लिंग में घुट संख्या होती है, अब जस्ट और सस की होगी। पहले तो अपन पांच घुट की करते थे ना, तो वो नहीं होगी अब। अब नपुंसक लिंग में जस्ट और सस की, नपुंसक लिंग में घुट संख्या होगी। और तो जस्ट ससोस की सूत्र से सी को तो सी का ई किया, अनुबंध लोप करके ई बचा, सी आदेश किया, वो सी आदेश किया। हाँ, वो अनुबंध नहीं करना है क्या अभी? हाँ, तो जैसा सस को पहले सी आदेश करो, फिर अनुबंध करना है। हाँ, जैसा सस को सी आदेश किया, फिर सी का अनुबंध करके ई बचा। सी का नहीं करना है, सा का करना है, ई बचेगी। सा का किया, हाँ सा का अनुबंध। सी का कर दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, वो फिर बचेगा ही नहीं, लिंग नहीं, स्वर नहीं बचेगा। सारा समझिए, अब मैं आप प्रश्न पूछूंगा, उत्तर दीजिए। जैसा सस की नपुंसक लिंग में क्या संज्ञा की? घुट संज्ञा। घुट संज्ञा, ठीक है। जैसा सस के स्थान पर क्या आदेश किया? जी आदेश किया, जी आदेश किया। क्या बचेगा? ई बचेगा, शाखा अनुबंध हो जाएगा। हाँ, अब आपकी स्थिति क्या है? कुल आ ई बोलिए जी, बोलो क्या स्थिति है? कुल धन ई, कुल धन अधन ई, कुल धन अधन ई, कुल अधन ई बराबर है। हाँ जी, बराबर है। चलिए अब अगला सूत्र पढ़िए। घुट स्वराद घुटी नु, घुट स्वराद घुटी नु, घुट स्वराद घुटी नु, घुट स्वराद घुटी नु, स्वराद घुटी नु, घुट स्वराद घुटी नु। बोलिए द्वारा, घुट स्वराद स्वराद घुटी नु, घुट स्वराद घुटी नु, घुटी नु। क्या करना भैया जी? मैं सूत्रकार बता रहा हूँ, समझिए। जो जस सस है वो क्या है? जस सस है, घुट है, घुट है। अभी अभी आदेश कर दिया तो ई भी घुट कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? ई भी घुट कहलाएगी, कहलाएगी, सही कहलाएगी। अब ई के पहले क्या है? आ है, जो क्या है? स्वर है कि घुट है? स्वर है। ई के पहले ए स्वर है, स्वर है ना? हाँ हाँ, कह रहे हैं कि स्वर से परे अथवा घुट से परे नुट नु का आगम होता है घुट पड़े रहने पर। बोलिए, परे होने पर नु का आदम परे रहने पर, परे रहने से घुट को नु आगम होता। मैं बोलू? हाँ बोलो, बोलिए बोलिए। घुट से परे अर्थात स्वर से परे, घुट से परे, हाँ वही, स्वर से परे अथवा धुट से परे, हाँ धुट से परे नु का आगम होता है घुट परे रहने पर। हाँ, नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग, ध्यान रखना नहीं तो स्त्रीलिंग में करने लगो। हाँ नपुंसक लिंग में। हाँ तो घुट क्या है यहाँ पर नपुंसक लिंग में? घुट है, ठीक है जी। हाँ भाई, और जस और सस को अपने क्या आदेश कर दिया? बच्चा। अब ई और स्वर के और कुल का आ स्वर है कि नहीं है? है है है। आ के बाद में नू का आगम कर दीजिए, आ और ई के बीच में नू का आगम कर दीजिए। कुल धन अ धन न धन ई, नू करो फिर न तो अनुबंध करेंगे। अब नू में तो अनुबंध कर दिया, आप देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ, मिलाना अपनी अपनी कॉपी में। कुल आ
ना जी बराबर है जी भैया जी भैया जी बराबर है ना जी। हाँ भैया अरुण भैया जी थोड़ा सा स्क्रीन को आगे पीछे कर दीजिए और आगे पीछे कर दीजिए बस 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 बस। हाँ तो बताइए आपकी कॉपी में क्या लिखा हुआ है। हम लोग धन अ धन न धन ई कुल आ न ई बोलिए कुल अब मैं बोल रहा हूँ दोबारा बोलना कुल अन ई वो सही बोला मैंने गलत बोला कुल अन क्या बोले कुल अन ई बराबर बोला कुल 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 अन कुल अन ई ई अब अलग अलग नहीं बोल के एक साथ बोल रहा हूँ कुल अन और ई सही है कि गलत है सही है नहीं सही है कुल अन ई मैं बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ कि सही सही बोल रहे हो भैया तोड़ने लगेंगे क्या भैया जी भैया बनना बोलो बोलो, बोलो प्रश्न करो भैया जी इसलिए तोड़ पड़ना होना है कि कैसा बोल रहे आप। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ देखो पहले सुनो अपने पास शब्द क्या था कुल है ना पहले पास अपने पास शुरू से सुनो अपने पास में शब्द क्या था कुल कुल है ना कुल से अपन कौन सी विभक्ति लाए जस और सस जस जी जस और सस शब्द का अपने अनतिकर्म किया था कुल और आ उसमें से आ निकलेगा की निकलेगा ला में से है ना अब जस और सस के जस और सस की क्या संज्ञा कर दी है आपने गुट संज्ञा करने के बाद में जस और सस के स्थान पर क्या आदेश कर दिया सी आदेश कर दिया सी आदेश कर दिया सी में से क्या बचा ई बचा ई बचा अब ई जो सी है ई है वो घुट है के अघुट है घुट है तो घुट के होने के कारण स्वर से परे नू का आगम होगा कि नहीं होगा 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 तो कहाँ होगा आ के बाद और ई के पहले जी अच्छा बीच में करना है हाँ नहीं तुम तो वहां कर दो टीकमगढ़ में बड़े गांव में नहीं 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 होगा ठीक है कर दिया जी हाँ कर दिया अब नू में से क्या चला गया ऊ चला गया क्या बचा ना बचा ना बचेगा अब उसको कैसे बोलेंगे कुल अन अन ई बोलिए कुल अन ई कुल अन धन ई कुल अन धन ई बराबर है कि गड़बड़ है बराबर है बराबर है सबको रेखा दी थी बराबर है बराबर है कुल कुल का छोटा कुल का अंदर ए नहीं ज्वाइन होगा क्या नहीं अभी बाहर है अभी अनंत करके रखा है कुल में से अभी अलग हाँ अभी अलग है तो हाँ अन ई तो हो गया अभी देखो कुल के लाखों आंखों बाहर निकाल लिया है तो कुल का ला हलंत हो गया ना हाँ वही तो पूछ रही हूँ तो हलंत है हाँ वो हलंत ही लिखा हुआ अभी तक तो है ना कुल का ला हलंत फिर अन और ना भी हलंत हाँ ना भी हलंत है अब उसके सामने अब उत्तर दीजिए कोई भी जल्दी तनखा दीजिए कौन देगा जल्दी से क्या अब हमारी तनखा कौन देगा देखिए क्या करते हैं आप लोग ये प्रश्न तो पूछा ही नहीं आपने मैंने सब पूछ लिया सब जानते हैं इतना नहीं है मानसरोवर में रह रहे हैं आज आप बता दीजिए दीदी तेल वाला नहीं मैं तो बताऊंगा पहले देख लो छोटी दीदी तनखा देती है कितनी थी मैं सोच रही हूँ एक मिनट भैया जी ये अपना घुट आया है घुट भैया जी मैं लगा रही हूँ नहीं पता सही है कि नहीं लेकिन घुट आया है अपन ने वो सक्यूस्ट में पढ़ा था जैसे अन आता है फिर उसके बाद इसको आन करते हैं घुटी जा संबुद्धे से तो अपन ने जस की घुट संज्ञा कर दी है तो घुट संज्ञा कर दी है तो अन का आन हो जाएगा
बहुत बढ़िया, सही है, यही काम है, कर दीजिए फटाफट। गुटी चा संबुद्ध, गुटी गुटी चा संबुद्ध, संबुद्ध सकी शब्द में लाए थे, सकन करके सका बनाया था। हाँ हाँ उधर अन करे थे फिर गुटी चा संबुद्ध करे थे। बड़ी दीदी। हाँ भैया। बड़ी दीदी कहाँ गए? हाँ यही है भैया जी, यही हूँ। देख लिया सुन लिया उत्तर मिला के नहीं मिला? पर आपने स्पष्ट नहीं पूछा था, आप क्या बोले पता ही नहीं, बड़ा स्पष्ट तो पूछेंगे आपने। सब समझदार है, सब समझ जाते हैं। चलो हो गया, अब चलिए दोबारा देखिए, अब सब लोग समझ लिए। गुटी चा संबुद्ध, देखिए ये मैंने क्या बोला, कुल धन अन धन ई, बोलिए कुल धन अन धन ई। है तुम्हारी जो हो वे? कुल धन अन धन ई, कुल अन ई बोलो, कुल अन ई। अब अंत में कौन है, ना है कि नहीं है? हाओ है। हाओ, और ना की उपधा क्या है? आ। तो गुटी चा संबुद्ध कहता है ना की उपधा को दीर्घ होता है ठुक पड़े रहने पर। बराबर है जी, अन को आन कर दो। भैया जी एक चीज पूछो क्या? हाँ बोलो। इधर इधर अपन वो भी सूत्र लगा सकते थे ना, गण ना रस्वो पदा स्वरे द्वि। अरे अभी काम तो कर ले मेरी बहन, अभी बिल्कुल की सब नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इधर न है उसके पहले रस्वो लगने वाला सूत्र यहाँ पर। अच्छा उसकी कहानी लंबी चौड़ी है। अच्छा ठीक है भैया जी, क्योंकि वो पूरी क्वालिटी इधर पाई जा रही थी। हाँ भैया क्या बनेगा शब्द बता लीजिए अब? कुलानी बनेगा, कुलानी कुलानी। हाँ बोलो रेखा जी क्या बना? कुलानी कुलानी। पक्का बना के कच्चा? पक्का पक्का पक्का। बोलिए कुलम कुले कुलानी, कुलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणी, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी। समझ में आ गया पूरा रूप? हाँ नहीं आया? आ गया आ गया आ गया। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा बापू, एक बार हम लोग वापस प्रैक्टिस कर लेंगे ना तब हो जाएगा। हाँ कल पूछेंगे पुनः, तैयार करके आइएगा, बंदूक भर के लाइएगा। कैसे करते हैं अब कुल शब्द के साथ में कौन सी विभक्ति लाएंगे? संबुद्धि। अरे संबुद्धि आएगी अभी, संबुद्धि नहीं आई। संबुद्धि आएगी क्या? हम सोचा द्वितीय आ गई, द्वितीय आ गई तो संबुद्धि रहेगी। द्वितीय आ गई लेकिन संबुद्धि छूटी हुई है, लाइए संबुद्धि की सी। लाइए ला दिए, कुल धन अधन सी। ठीक है अब कुल में क्या है, ह्रस्व के दीर्घ है? ह्रस्व ह्रस्व भैया, ह्रस्व सी का लोप हो जाएगा, फिर सी का लोप हो जाएगा भैया। हाँ सी का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा? एक कुल। दूसरा तो वही जो बनता है वो बनेगा, हे कुल हे कुले हे कुलानी। बराबर है? हाँ जी बराबर है। अब एका दीदी का काम है कुल से तृतीय विभक्ति लेके आओ। कुल धन कुल धन ता, ठीक है। अब पुरुष शब्द के समान काम करो, कोई भी परिवर्तन नहीं करना, बोलते जाओ। बोलते क्या? अच्छा बोलो रेखा दीदी। अब इससे पुरुष धन के जैसे क्या? हाँ पुरुष शब्द के समान और कुछ नहीं करना, कोई परिवर्तन नहीं। मैं बताऊं भैया जी? आप बताना भी, रेखा पहले फिर बाद में सुरेखा। फिर पुरुष धन आ लिखा, मतलब कुल धन आ लिखा, फिर इंटा सूत्र से, इंटा सूत्र से
बोलो कुल धन टा, बोलो कुल धन टा, फिर इसको कुल धन आ किया, इंटा सूत्र से इसको इन किया, आ को इन किया, कुल धन इन, फिर अवर्ण इवर्ण ए लगा, बहुत बढ़िया, फिर बनेगा कुलेन, कुलेन और ना को ना कर दो, ओ कुल वो उससे सूत्र से रस्सी वर्ण पे रस्सी वर्ण पे नो नमन से अच्छा कर देना ना को ना, हां हां नहीं होगा लेना है हैं, हां जी भैया रस्सी ना को ना हो जाएगा, हां जी भैया बिल्कुल ठीक है, पर मेरे ना को ना हो जाएगा ना, हां होगा हो जाएगा, इसमें इसमें कैसे होगा, ओ कवर है कवर है कवर है, ठीक है भैया होगा हो जाएगा, हाँ होगा होगा, अच्छा अच्छा ये बताओ होने के लिए क्या शर्त है भैया जी, लगाए तो नहीं होगा ना बाधक सूत्र है, अम्मा बोलो क्या बोले, बीच में तो बाधक सूत्र आया तो नहीं होगा ना, नहीं नहीं होगा, पहले ये बताइए होने के लिए शर्त क्या है, होने के लिए रश्रु र या रश्रु वर्ण रम रमरु वर्ण चाहिए थे, होना चाहिए थे रशरी, नहीं होना चाहिए था, तो एक शर्त है या न अंत में नहीं, पहले ये बताइए पहली शर्त क्या है, दूसरी तीसरी बात में देखना, पहले पहली शर्त बताओ, र होना चाहिए री होना चाहिए स होना चाहिए, पहली शर्त बताओ, पहले पहली शर्त रे का दीदी, पहले शब्द ये है कि इसमें रस्सी तीनों र होना चाहिए या स्त्री होना री होना चाहिए या वो मूर्धन्य श होना चाहिए, तीनों में से देखते हो कौन सा है, इसमें तीनों में से कोई नहीं है, तो फिर काय के लिए आगे बढ़ रहे हो, हाँ तो तीनों में से कुछ है ही नहीं है, वही तो हम बोलेंगे नहीं होगा, कह रहे हो कि ला है कि पा है कि चा है, ला तो है इसमें, वो तो वो पहली शर्त, पहली शर्त में तीनों शब्द में से तो नहीं है, पहले सब शर्त नहीं है इसमें, दूसरी शर्त में कवर्ग जरूर है, नहीं मिली मिलेगी, हाँ जी भैया जी, ना को ना करने के लिए रा सा चाहिए, हाँ री से तीनों चाहिए, तीनों में से एक करने के लिए पहले चाहिए, तीनों में से एक चाहिए, हाँ जी तीनों में से एक चाहिए, अम्मा हाँ समझ में आ रहा है, क्या चाहिए रा सा री री नहीं है लेकिन चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए भैया जी, तो फिर मैं कहा है ये तीनों अक्षर में नहीं है वो, तो फिर काय के लिए अपन देख रहे थे ला आ गया, पहली शर्त मिलेगी तब आगे बढ़ना, जब पहली नहीं है तो आगे की किन्ने से क्या फायदा, तभी तो हम भैया जी बोला कुलेन कैसे होगा, कुलेन ही बोला था हम, हुआ कैसे, तो ये तो आपको बताना चाहिए, आपको कर आप पढ़ा रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो सीख रहे हैं भैया जी आपसे, अरे आज तो आप पढ़ा रहे हैं ना, तो चलिए क्या बनेगा फिर, कुलेन के कुलेन 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 गोस्वती अकारो दीर्घो गोस्वती, ठीक है हो गया, क्या बन गया, तो कुलाभ्याम, ठीक है भिसलाओ, बीस ठीक है, बीस बीस में बनेगा, विश्वेश्वा सूत्र लगेगा ना इसमें, हाँ बिल्कुल सही है, विश्वेश्वा तो विश्वेश्वा से इसमें बीस को एस हो जाएगा, आईस आईस आईस, हाँ आईस होगा आईस, हाँ कुल धन आईस, एस नहीं आईस, हाँ आईस, तो इसका बन गया रेप्स और विसर्जन से कुले, हाँ कुले नहीं कुले ही, अभी एकारे एकारे क्या लगेगा, ओ एकारे आई एकारे च, हाँ कुलई एकारे आई एकारे च, हाँ सूत्र लगेगा, फिर रेप्स और विसर्जन लगेगा, एकारे आई एकारे च, और फिर रेप्स और विसर्जन, हाँ एकारे आई कारे च,
यही का रेच है तो फिर और फिर उससे रेच और विसर्जन नहीं लगेगा तो बनेगा कुलई कुलई बना। फिर अपन को अब क्या लेना चतुर्थी विभक्ति ना गे भ्याम, भ्याम, चतुर्थी लाओ गे। भ्याम तो कर दिया ना भ्याम तो कर दिया ना गे लाओ ना गे हाँ गे धन ए फिर इसमें गेरिय सूत्र से इसको ए को यह आदेश किया ठीक है बहुत बढ़िया यह आदेश किया फिर अकारो दीर्घो गोस्वती सूत्र से अकारो दीर्घम गोस्वती सूत्र से कुल का कुला कर दिया इसको ठीक है बहुत बढ़िया फिर कुला फिर व्यंजन मस्व सूत्र से बन गया कुलाए कुलाए हाँ कुलाए बन गया बहुत बढ़िया आगे चलिए फिर कुल धन व्यस्त करे ना हम तो बीच है कुल धन व्यस्त हाँ कुल धन व्यस्त तो इसमें लगा अकारो दीर्घो घोषवती सूत्र लगेगा ना इसमें गड़बड़ है टीकमगढ़ नरेश बताओ नहीं 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 गुटी बहुत्वेते गुटी बहुत्वेते ठीक है और बोलिए गुटी बहुत्वेते सूत्र से आपको ये हो जाएगा आपको ए हो जाएगा आपको ये हो जाएगा आपको ये आपको ए हो जाएगा रेप्स और विसर्जन ऐसे बनेगा कुलेभ्य कुलेभ्य आप चलिए टीकमगढ़ दीदी बताइए आपका नंबर आया है हाँ भैया बताइए आगे की विभक्ति कुल धन गसी हाँ तो उसमें आएगा दसीरात गसीरात दसीरात के नसीरात गसीरात हाँ चलो और वाला उससे क्या करोगे इसमें आठ हो जाएगा आठ हो जाएगा तो कुल धन आठ पुरुषार्थ बना कुल बन गया क्या अभी और कुछ रह गया उसमें बन गया अभी नहीं बना कौन बनाएगा दूसरा संतोष दीदी बताइए क्या बनेगा गसी में सूत्र भी तो लगेगा वाविरामे भी तो लगेगा वाविरामे समाना सवर्ण दीर्घी भक्ति और समाना सवर्ण दीर्घी भक्ति भी लगेगा हाँ समाना सवर्ण दीर्घी भक्ति परस्य लोपम हाँ चलो आगे की भक्ति बोलिए और किसका पुरुषाभ्याम तो पुरुषाभ्याम ही हो गया पुरुष ऐसे ही हो गया चलो टीकमगढ़ नरेश कहाँ गए जी भैया और आगे की विभक्ति लाओ कुल धन गस हाँ गसस्य गसकस्य हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा हाँ ठीक है और विभक्ति लाओ जल्दी और आगे की कुल धन ओस हाँ गुटी बहुत्वे रेखा दीदी बताओ जल्दी से कुल धन ओस में ओस परे होने से लिंगा तकार को ए आदेश होता था ओसी चे सूत्र लगाइए सूत्र ओसी चे ओसी चे अभी कौन सा लगा रहे थे अभी लगा रहे थे पहले तो वो घुट अकारो दीर्घो घोषवती लगा रहे थे पहले तो चलो कोई बात नहीं लिंगा तकार को ए कर दीजिए आप कौन सा सूत्र लगाओगे लिंगा ए ए ए ए फिर कौन सा लगाओगे रेप सर विसर्जनीय क्या बन जाएगा गड़बड़ घोटाला बनाया नहीं हम डायरेक्ट बोल रहे थे बनाया नहीं लिखे नहीं कॉपी पर बनाओ कॉपी पर कॉपी में बनाता था ठीक है भैया जी गलत नहीं बताने का है भैया कौन सा सुर लगेगा घुटी बहुत तुए नहीं इसमें नहीं लगेगा ओस में पूछ रहा हूँ टीकमगढ़ दीदी से पूछ रहा हूँ अभी कौन सा लगाया था आपने हाँ बताइए रेखा दीदी कुल धन ओस फिर ओसीचा सूत्र से ए आदेश किया है तो कुले धन ओस बन गया फिर ए ऐ सूत्र से ऐ आदेश किया इसमें बनेगा कुल कुल यो है कुलियो है मतलब रेप सोल विसर्जन नहीं लगेगा कुलियो बनेगा कुलियो कुलियो बनेगा ठीक है आम विभक्ति लाइए आम विभक्ति कुल आप क्या कर रहे हैं कर रहे हैं रुके देखते हैं
आमी आमी चनु सूत्र करेंगे एका न का अनु नू का आगम करेंगे नू का आगम नू का आगम करेंगे हाँ फिर क्या करेंगे दीर्घ मामी सनाओ करेंगे इसमें दीर्घ मामी सनाओ फिर क्या करेंगे फिर दीर्घ मामी सनाओ पुला धन न धन तो फिर रश्री वर्णे इसमें सूत्र हाँ वही लगाएंगे रश्री वर्णे पे लगा दीजिए पुलाना इसमें लगेगा इसमें नहीं लगेगा ना भैया जी इसमें काय को लगेगा भैया नहीं लगेगा इसमें इसमें नहीं लगेगा नहीं लगेगा ना अरे आपने लगाया ना अभी रसरी बढ़ने पे लगा दो नहीं नहीं लगेगा भैया जी हम वो देख रहे हैं नहीं लगेगा इसमें नहीं लगेगा नहीं लगेगा इसमें पुलानाम पुलानाम चलो अब अगली व्यक्ति लाओ घी घी कुल धन घी अवर्ण इसमें अवर्ण इवर्ण ए लगा तो क्या बनेगा कुले कुली कुले ठीक है अब वो तो हो गया अब सुप ले आओ सुप कुल धन सुप हाँ सुप तो इसमें तो वो इस घुटी बहुत वे घुटी बहुत से हाँ घुटी बहुत वे ते सूत्र से ए को ए किया हाँ ए को ए किया तो कुले धन सु और सु का वो नामी कर पर प्रत्यय वो वाला विकार वो सूत्र लगेगा तो इसमें बनेगा कुलेसु हाँ बन गया कि नहीं बना बन गया क्या आप बना कुलेसु 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 बन गया क्या अभी नहीं बना टीकमगढ़ दीदी बताओ जल्दी बन गया भैया क्या बना इसमें बना है कुल धन सुप से घुटी बहुत हुए तो यहाँ पे आका ये हो जाएगा तो कुली हो जाएगा और सूखा नामी कर पित्या से वो हो जाएगा सटकोण वाला सा अच्छा हाँ तो कुली सु हो जाएगा ठीक है कौन सा सारा क्या मूर्धन्य से दंत से को मूर्धन्य से हो गया हम किया था नामीकर बोला था हाँ जी बोला था भैया जी बोला था ठीक है बोला था ठीक है तो क्या बन जाएगा कुलेसु कुलेसु अब बन गए रूप पूरे हाँ भैया भैया जी ये याद कैसे रहेगा भैया जी ये याद कैसे रहेगा इसमें ये लगेगा उसमें वो लगेगा एक ही बात चल रहा है कुलम कुले कुलानी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी फलम फले आपको तो याद हो गया भैया जी हम लोग को कैसे रहेगा बस बाकी तो पुरुष के समान है अरुण भैया जी थोड़ा सा स्क्रीन को आगे लाइए अरुण भैया जी धीरे धीरे लेके चलना और चलिए आगे और चलिए और चलिए और चलिए और चलते जाइए हाँ धीरे धीरे चलो और चलिए आगे चलिए और चलिए धीरे धीरे चलते रहिए आगे बढ़ते रहिए हाँ और चलिए और आगे और आगे और आगे खत्म हो गया क्या अच्छा यहाँ नहीं है जरा 300 के बाद निकालना 300 के बाद इसमें तो रहेगा भैया जी 1700 सूत्र पूरे ही है ना अभी आप 300 के बाद लाना भैया इस पुस्तक में भैया अरुण भैया जी थोड़ा 300 लाओ धीरे धीरे और आगे बहुत फास्ट चलो 300 के पास ले जाओ 300 के बाद बहुत चला दी और चला दीजिए और ले जाओ 300 से आसपास ले जाओ और ले जाओ और ले जाइए आगे
है और चलिए आगे चलिए अभी और चलना है, स्त्रीलिंग भी पार होना है और चलते चलो और ले जाए जल्दी जल्दी। हाँ और चलते चलिए और चलिए और चलिए जल्दी जल्दी और चलिए और चलते चलिए। हाँ चलते चलिए मैं देखता जाऊंगा, चलते चलो और चलो और चलो और चलो और चलते चलो चलते चलो। अब ये इसको भी निकाल दो, स्त्रीलिंग को भी निकाल दो। अब धीरे धीरे चलना, चलते चलो धीरे 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 धीरे। हाँ धीरे धीरे और चलो धीरे धीरे और धीरे चलो और धीरे चलो। हाँ बस अब रोक देना। हाँ चलो बस बस। ओ दीदी कहाँ गई दुर्ग दीदी? जी भैया जी। पढ़िए सूत्र, विरामे विरामे व्यंजनादा व्यंजनादा उक्तम उक्तम नपुंसकात् स्यमोर लोपेपि स्यमोर लोपेपि। आपने जो नंबर लिखा था उसका नंबर क्या है जल्दी बताइए। 2.84 गणित नहीं है, दूसरा अध्याय का अच्छा, कितना नंबर का दूसरा अध्याय का 84 नंबर का सूत्र। अब ये देखिए 84 नंबर का सूत्र 84 है तो ये नहीं मिला फिर। ये ब्राह्मे व्यंजनादा उक्तम नपुंसकात् ये नंबर नहीं मिला। ठीक है अब आपको बताए जी भैया जी, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे बाद में। जी भैया जी जी। थोड़ा और आगे चलना भैया जी, और थोड़ा आगे चलो और आगे चलो। इधर नहीं है, नहीं आप खत्म हो गए, आप नहीं है उसी में पीछे रह गया होगा, जहां चल रहे थे वहीं चलना भैया जी। अरुण भैया जी जहां पर थे वहीं आना। भैया जी 245 नंबर का सूत्र होगा, 245 नंबर है शायद, 245। जहां थे वहीं चलिए। और चलते चलिए चलते चलिए। जहां अपन थे वहीं वापस आना है। हाँ अब धीरे 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 धीरे। हाँ चलिए धीरे 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 और चलिए धीरे धीरे और धीरे धीरे। बस अभी और धीरे आगे चलिए और धीरे बस और आगे चलिए और आगे और आगे और आगे। एक सूत्र एक नहीं है और आगे चलिए। 236 नंबर नहीं है, नहीं है वो बाद में देंगे आपको सूत्र का जवाब। जी भैया जी। हाँ जी भैया जी, क्योंकि ये वही का वही सूत्र आ गया है जी जी। हाँ आपको हम 287 नंबर का सूत्र ला के देंगे। जी भैया जी 236 नंबर 288 था ध्यान रखना, नहीं और वो वाला था 84 था, वो तो 84 है उसका जवाब आप देंगे आपको है। हाँ भैया जी कोई दिक्कत नहीं, कल देंगे कल। जी जी भैया जी ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सुजे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा रत्न मोधो।